नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा विचार है कि फ्रेंड्स, हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो हमें उस काम को निरंतर करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने क्यों ना खड़ी हों, हमें अपने निरंतर कार्य पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं एक आपको एक मतलब किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि बादलों ने 10 साल के लिए हड़ताल कर दी कि हम 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे, ठीक है। तो किसानों ने क्या किया, कुछ किसानों ने कि सब ने अपने हल वगैरह सारे पैक करके और रख दिए बेफिक्र होके, क्योंकि उनको पता चल गया कि बादलों ने बोल दिया अब तो बारिश करेंगे नहीं, ठीक है। पर उसमें एक किसान जो ऐसा था, वो किसान निरंतर अपने कार्य में लगे रहे, तो वो अपना हल ले जाके अपने खेत में हल चला रहे थे, ठीक है। तो बादल आए पास में, बोले क्यों भैया, क्यों हल चला रहे हो, हम तो बारिश करेंगे नहीं। तो किसान भैया बोले कि भैया बरसी है तब बरसी है, ठीक है, हम तो जाके हमारे हल चला रहे हैं, कहूँ बरसबो ना भूल जाए 10 सालन में, ठीक है। तो भैया बादलों घबराए गए, बादल घबराए गए, कहूँ 10 साल में हूँ बरसो भूल ना जाए। तो फिर बादल बरसन लगे, ठीक है। और जो गांव वाले जो किसान थे ना, और किसान थे, वो हाथ मलते रह गए, क्योंकि उनने तो हल पैक करके रख दिए थे अपने, तो बादल तो बरसेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, हम जो काम कर रहे हैं, तो हमें कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमें उस काम में अपने निरंतर दक्षता पूर्वक लगे रहना चाहिए, निपुण होकर उस अपने काम में, क्योंकि वो हमारा काम है। फिर ऐसा नहीं कि अरे पानी तो नहीं बरसेगा, अगर वो किसान सोच लेता कि बरसात तो होगी नहीं, तो चलो सबने कोई तो हल नहीं चला रहा खेत में, क्योंकि बादलों ने तो बोल दिया है बरसात हम करेंगे नहीं, लेकिन वो किसान फिर भी निरंतर अपने कार्य में लगा रहा और उसकी मेहनत सफल हुई, बादलों ने भी बरसात की। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी कार्य में हम कर रहे हैं तो निरंतर लगे रहिए, फिर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हमें उन चीज़ों को ना सोच के अपने कार्य पर लगे रहिए, और एक ना एक दिन जरूर आप सफल होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी बात। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। तो बस आज का मेरे यही विचार था फ्रेंड्स। राधे राधे आप सभी को, और अपने कार में लगे रहिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। राधे राधे।